आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं, सीटेट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम को लेकर, तो उसे फटाफट देख लेते हैं। जुलाई 2023 के एग्ज़ाम को लेकर आया है। आप सभी जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चलते हैं हम आगे, और यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ वाला जो हमारा सेक्शन होता है, यहाँ पर ये वाला ये लेटेस्ट न्यूज़ वाला, इसके नीचे ही आपको जो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो दिया होता है। तो हम सभी देख सकते हैं यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने ये वाला, इसको हम डाउनलोड करेंगे। जो ये सबसे ऊपर है इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है, और अभी जो है ये ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये आपका 29 तारीख को आया था, और यहाँ पर जो है पब्लिक नोटिस है ये, और इसमें साफ तौर पर बताया गया है किस तरीके से जो है कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया है एग्ज़ाम को। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बता रखा है कि 25/4/2023 के को ही जो है इसमें ये बता दिया गया था कि जो सीटेट है वो एग्ज़ाम फिल करने स्टार्ट कर दिए गए थे। और आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई से लेकर अगस्त तक के बीच में होगा, ये साफ बात यहाँ पर बताई गई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन्होंने जो हाईलाइट कर रखा है उसे देखते हैं। ऑनलाइन सुधार के लिए सीटेट वेबसाइट पर जो है, यानी कि अगर आपको करेक्शन करना है कुछ ना कुछ, कुछ भी करेक्शन करना, कोई भी गलती हो गई है और सेंटर को लेकर अगर कोई करेक्शन करना है, आपका जो सेंटर है वो चेंज है, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारा उस टाइम पर नहीं होते, मेरे साथ भी ये हुआ था कि लास्ट टाइम जो है मेरा सेंटर जो है मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप सभी के साथ भी हुई है तो आप सभी करेक्शन विंडो पर जाकर क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर करेक्शन विंडो में आप सभी अपना नाम, अपने फादर का नाम में अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर आपने कुछ चीज़ जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है, फ़ोटोज़ वगैरह जो अपलोड किए, जो अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है उसमें अगर कोई दिक्कत हो गई है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है, आप वहाँ पर जाकर उसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पेपर डिसाइड करने में गलती कर दी है कि पेपर वन जो है उसमें लैंग्वेज कौन सी रखेंगे, पेपर टू में लैंग्वेज कौन सी रखेंगे, पेपर टू में अपना मेन सब्जेक्ट SST रखेंगे या मैथ या साइंस रखेंगे, अगर इसमें कोई गलती कर दी है तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। विंडो ओपन हो चुकी है, मैं फिर से आप सभी को यही बात बता रही हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिलीज किया है CBSE ने ही, आप सभी देख सकते हैं। और दो जो है आपका 2/6/2023 शुक्रवार तक आपका जो है ये रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है करेक्शन विंडो ऑफ हो जाएगी। एक बात और आपको ध्यान रखना है, जब भी करेक्शन करने जाएं तो आपको ध्यान रखना है जो भी है आपका वो एक ही बार में, चाहे चार गलतियां हो, चाहे पांच गलतियां हो, चाहे एक गलती हो, वो एक ही बार में आपको करेक्ट करनी है, बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें यही चीज़ बताई गई है, उम्मीदवार अपनी पसंद जो परीक्षा का जो शहर है उसमें भी बदलाव कर सकता है, आपको ये जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है इनके द्वारा। तो ये चीज़ जो है मुझे आपको हर इन्फॉर्मेशन देनी थी, जैसे अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ स्ट्रेटजीज़ जो है शेयर करती हूँ किस तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने किया है, इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको शेयर करती हूँ, तो इसको कैसे छोड़ सकती थी। तो फटाफट जाओ करेक्शन कर लो अगर कोई भी गलती हुई है तो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे आपको हर न्यू वीडियो जो होगी मेरी वहाँ पर मिल जाएगी, और इस चैनल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।